तो यार ये तीन देव दो दो फीट पहले पड़ी हुई है, यहाँ पाँव रख दो तो दस्ता ही जाएगा अंदर, कितना दसाना है। और ये आ गए हमारे भोलेनाथ जी, हर हर महादेव। नीचे की तरफ चल रहा हूँ मैं, एंड लिटरली बता रहा हूँ मैं पूरा स्नो में कवर्ड हूँ। ओह माय गुडनेस, ओह माय गॉड, आह ये ट्रैक मेरा, और यहाँ से थी सीधा नीचे खाई, ध्यान से चलते हैं और बस चलते चलते फिर हमें आगे बढ़ते रहना है और चलते रहना है। बहुत बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है, तो मतलब तुंगनाथ से चंद्रशिला, सॉरी चोपता से चंद्रशिला, ओके, और चंद्रशिला से, सॉरी चोपता से चंद्रशिला, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मेरी हालत ख़राब है। अब आप ही बता दो, ये ट्रैक है और ये ट्रेल है, इसमें से कैसे चला जाए यार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, पहुंच गए टुंगना धाम। और अब यहाँ से चलते हुए आगे की तरफ और आपको ग्लिम्प्स दिखाते हुए टुंगनाथ धाम के, हर हर महादेव। तो मैंने सोचा मैं पंच केदार के बारे में दोबारा बता दूं आप सबको। तो बेसिकली जब पांडवों ने ढूंढा शिव जी को, क्योंकि पांडवों पे क्या बोलते हैं गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या का श्राप था, तो शिव जी उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो तब शिव जी ने, तो कृष्ण भगवान ने बोला उन्हें कि आपको भोलेनाथ जी की तपस्या करनी पड़ेगी, तो भोलेनाथ जी आपको मोक्ष दिला सकते हैं। तो फिर पांडव गुप्त काशी पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने शिव जी को ढूंढा, तो वहां पे शिव जी थे। तो वहां शिव जी जैसे ही देखते हैं कि पांडव आ जाते हैं, तो वो बैल के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और जब बैल के रूप में प्रकट हो जाते हैं वहाँ और भी बहुत सारे बैल होते हैं। तो जो भीम होता है वो सबको बोलता है कि एक एक करके मैं सारे जो बैल हैं मेरे पैर के नीचे जाएंगे। तो सारे बैल जब एक एक करके भीम के पैर के नीचे जा रहे होते हैं, तो ये हमारे जो हैं भोलेनाथ जी, तो ये तो पैरों के नीचे जा नहीं सकते, तो फिर ये हैं ज़मीन के अंदर गायब होने लगते हैं। तो जब ये धरती के अंदर गायब होने लगते हैं, उस टाइम पे भीम जो है भोलेनाथ जी जो बैल रूपी थे उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गायब हो जाते हैं। और गायब होने के बाद फिर जो बैल रूपी शिव जी थे जो गायब हो गए थे, वो फिर जगह जगह प्रकट होते हैं, कहाँ कहाँ, केदारनाथ धाम में उनकी पीठ प्रकट होती है, तुंगनाथ धाम में उनके हाथ होते हैं, ऐसे ही जो मध्य महेश्वर हैं, कल्पेश्वर हैं, हर जगह उनके मतलब कुछ ना कुछ अंग जो हैं प्रकट होते हैं, कहीं पर पूंछ होती है, कहीं पर ये होता है, और आई गेस जो उनका मुंह है वो नेपाल में है, पशुपतिनाथ। तो ये है हिस्ट्री, तुंगनाथ धाम में इनके हाथ हैं। तो बस वहीं जा रहे हैं अब हम भोलेनाथ जी के दर्शन करने। अभी तो सर्दियां हैं तो तुंगनाथ धाम बंद हो जाते हैं, उनकी डोली लेके नीचे ऊखी मठ में आ जाती है। तो ऊखी मठ में कल होके आ गया था, पर मैंने सोचा मैं तुंगनाथ धाम भी जाऊंगा और यहां से चंद्रशिला भी जाऊंगा। तो अभी यही सब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर हर महादेव। वंस अगेन ये एक और बर्फ की चादर पूरी दिखती हुई, बहुत बढ़िया। ये है इतनी इतनी बर्फ यहाँ, ये मैंने भी डंडा डाला है और ऑलमोस्ट 1.5 फीट बर्फ है यहाँ पे, कई जगह तो 3-3 फीट बर्फ भी है इनफैक्ट। तो ये हाल है यहाँ। तो यार ये तीन देव दो दो फीट बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ पाँव रख दो तो दस्ता ही जाएगा अंदर, कितना दसाना है। लेकिन अब फिर जूते गीले, फिर प्रॉब्लम। बस आ गया है मंदिर भोलेनाथ जी का, तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर। ये है हमारा कौन सा तृतीय केदार, जय पहले मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, पहला केदार केदारनाथ धाम, द्वितीय केदार मध्य महेश्वर, और तृतीय केदार हमारे हैं ये तुंगनाथ। उसके बाद जो चौथे हैं वो हैं कल्पेश्वर, पांचवें हैं चौथे हैं रुद्रनाथ, पांचवें हैं कल्पेश्वर। वो रहा सामने हमारा भोलेनाथ जी का मंदिर, जो कि है बहुत ही पास। 5 मिनट लगने चाहिए जाने में, बट यू नेवर नो, क्योंकि थकान इतनी हो चुकी है ना यार,
जो ये ट्रैकिंग करके आए ना बर्फ में, दिस वॉज नॉट ईजी। देख लो ना नीचे कितने बड़े बड़े ट्रेल्स बने हुए, एक एक फीट का गड्ढा हो रखा है ऑलमोस्ट, जिसमें से निकल के चल चल के जाना है। और वो रहे मेरे महादेव, हर हर महादेव। देव जय शिव शंभू शिव शंकर मंगल महादेव। तो यार यहाँ मना था, मतलब पूरा परिसर बंद कर रखा है इन्होंने, बट फिर भी मैं आ ही गया। मैंने यार मंदिर तो जाना है जैसे भी करके, तो इसलिए मैं परिसर में घुस गया हूँ टाप टूप के, और अब मंदिर जाऊँगा। दिखाता हूँ आपको सामने कहाँ है ये परिसर मंदिर, सामने मंदिर परिसर। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कृपया मंदिर परिसर में प्रवेश ना करें, बट सॉरी 4 किलोमीटर ऊपर आए हैं तो हमसे मंदिर तक तो जाएंगे जाएंगे, चाहे मंदिर बंद है। भोलेनाथ जी के आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, हर हर महादेव। तो हाल अभी है यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट विल गो। जब इतना आ गए तो थोड़ा और सही, तो चलते रहेंगे। जय शिव शंभू शिव शंकर मंगल महादेव। अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि किधर से कहाँ जाना है, तो वही थोड़ी सी प्रिपेयर करा जा रहा है और ट्राई करा जा रहा है कैसे आना है। तो यार ये है बहुत डिफ़िकल्ट काम जो कर रहा हूँ मैं, काफ़ी बुरा हाल है यहाँ। और ये आ गए हमारे भोलेनाथ जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मंदिर के सामने हूँ मैं बिल्कुल, और अब यहाँ से थोड़ा सा और टाप के जाना है। लग रहा है यहाँ कोई आया नहीं है, अभी हम ही हैं, पर जाएंगे तो सही। ओम नमः शिवाय शिव शंभू। यहाँ से नीचे की तरफ चल रहा हूँ मैं, एंड लिटरली बता रहा हूँ मैं पूरा स्नो में कवर्ड हूँ। ओह माय गुडनेस, ओह माय गॉड। तो डिफिकल्ट है सीरियसली। तो यार ये हाल, नी तक बर्फ बर्फ में है, बुरा हाल है। पहुंच तो गए हम अंदर तक, थोड़ा और अंदर अब जाएंगे जाएंगे। ये रहे मेरे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभू शिव शंकर। तो ये सारा यहाँ का एरिया मैं आपको दिखा दूँ मंदिर का। और ये रहा तुंगनाथ धाम, और जैसा कि मैंने बताया है सबका स्ट्रक्चर सेम है यहाँ पे। आप जितने मंदिर देखते हैं ऑलमोस्ट सारे मंदिरों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही है एवरीवेयर। सामने ही मेरे भोलेनाथ जी, जय शिव शंभू शिव शंकर मंगल महादेव, हर 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 महादेव। ये रहा तुंगनाथ मंदिर, तुंगनाथ धाम। साथ में है महानंदा मंदिर, और उसके आगे है भैरव टेंपल, भैरवनाथ मंदिर। तो अभी बस मैं उसी की तरफ बढ़ता हूँ जल्दी से, और फिर यहाँ से जाना है हमें चंद्रशिला भी, तो जो है थोड़ा दूर। तरफ है बहुत डीप, और यहाँ पे चलना हो रहा बड़ा मुश्किल, जूतों में जुराबों में हर जगह बर्फ घुस चुकी है, निकालनी पड़ेगी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके। तो ये हैं बाकी मंदिर, एक है यहाँ महानंदा, और यहाँ छोटे छोटे ये मेरे ख्याल से पंच केदार बने होंगे। तो और वहाँ पे है राइट साइड में भैरवनाथ मंदिर, हर हर महादेव। ये हो चुका है यार मेरे जूतों का हाल, जूतों उतारूंगा, और जूतों उतारने के बाद फिर अब सारी बर्फ निकालूंगा, वरना ठंड में हालत हो जाएगी खराब। फिर बढ़ते हुए अब यहाँ से आगे, वैसे सही बताऊँ चंद्रशिला जाने की हिम्मत नहीं है, पर 1 किलोमीटर है 1.5 किलोमीटर सोच रहा हूँ कर लूँ, तो
क्योंकि यहाँ तक आना ही आसान नहीं था, तो दोबारा यहाँ तक आना फिर चंद्रशिला करना, इट इज़ क्वाइट अ बिग थिंग। तो यही सोचा है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि चंद्रशिला कोशिश करके करूँगा, बाकी जैसी भोलेनाथ जी की इच्छा। ये है भैरवनाथ मंदिर, जय भैरव बाबा की, हर महादेव। तो टुंगनाथ भगवान के दर्शन कर लिए बाहर से, अब यहाँ से निकलते हुए हम कहाँ जा रहे हैं, चंद्रशिला पीक यहाँ से 1 किलोमीटर है, बट बहुत टफ है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना टफ है, अच्छी खासी चढ़ाई है, तो ये तो चैलेंज है, रहेगा भी ही, पर इतना कर लिया आगे करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह आप बार बार तो नहीं आ सकते। हमने चंद्रशिला पीक का ट्रैक, ये आप देख रहे हो, ये जो रोड से दिख रही है आपको, ये कॉर्नर में, फिर यहाँ पे रोड है, फिर यहाँ से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो यहाँ पे, तो ये है ट्रैक पूरा। पता नहीं कितनी देर लगेगी, 1 किलोमीटर है, बट 1.5 घंटा 2 घंटा लग सकता है, लेट्स सी हाउ इट गोज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये है ट्रैक चंद्रशिला का, तो एक्चुअली टुंगना तक तो ठीक था, जो टुंगना के बाद का रास्ता है ना चंद्रशिला का, तो यार ये थोड़ा डेंजरस है अगर मैं आपको सही बताऊं तो, ऊपर से बर्फ़ पड़ी है तो इट बिकम्स मोर डेंजरस, थोड़ा सा स्लिप होंगे एंड यू नो यू आर काइंड ऑफ गॉन। तो ये बहुत डेंजरस है, चल रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान रख के कोने कोने पे चलेंगे हम, अपने लेफ्ट साइड पे, कि अगर फिसलें भी तो लेफ्ट साइड पे फिसलें, तो यही सोच के चले जा रहे हैं। हर हर महादेव, भोले शंकर की जय। हमने जो ट्रैक अभी मुझे करना है, अब सोच लो यार थोड़ा डेंजरस तो है ही, डर भी लग रहा था, बट मैंने कहा चलो भोलेनाथ जी का नाम लो और आगे चलते बनो। ये है ट्रैक मेरा, और यहाँ से सीधा नीचे खाई, ध्यान से बहुत चला पड़े और बस चलते चलते फिर हमें आगे बढ़ते रहना है और चलते रहना है। हर हर महादेव। तो अभी हम ये नीचे वाली ट्रेल से ऊपर आ रहे हैं, और ये है सामने टुंगनाथ धाम मंदिर, वंस अगेन हमारे सामने दिखती हुई हमें केदारनाथ रेंज, और इधर है चौखंबा, और व्यू तो ऑब्वियसली बहुत अमेजिंग है, बट एज आई सेड बिफोर, ये टुंगनाथ धाम से ऊपर आते हुए जो चंद्रशिला है वहाँ तक जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है, मतलब आप ये समझो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत छोटा रास्ता है और बर्फ़ पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, तो ये ट्रेल है ऐसी कुछ, बीच बीच में बर्फ़ कम है, फिर ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बस ध्यान से बहुत जाना पड़ेगा। ये सामने हैं फुटप्रिंट्स, आपको दिखेंगे, दिखाता हूँ मैं, और ये प्रॉपर किसी जानवर के फुटप्रिंट्स हैं, ये गड्ढे हो रखे हैं जगह जगह, ये जानवरों के प्रिंट्स हैं, और ये मुझे आगे तक दिख रहे हैं। खैर हमें आगे नहीं जाना, पता नहीं आगे क्या है, एक्चुअली वहाँ तक नीचे कुछ है, कोई रास्ता तो हमें दिख रहा है वहाँ का, कुछ ट्रैक बना हुआ है, कुछ ट्रेल है, बट ऑब्वियसली वहाँ से तो नहीं जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे लेके जाएगा, तो हमें तो अपने चंद्रशिला वाले ट्रैक पे जाना है, और जो कि ये है, अब थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है, और उसके बाद वहाँ से आगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यार मैंने थोड़ा फंस गया हूँ, कन्फ्यूजन हो गया बहुत भयंकर, ये दिखाता हूँ आपको कन्फ्यूजन क्या है, ट्रेल्स हैं लोगों की जो यहीं पे ख़त्म हो रही हैं, एंड वी डोंट नो इसके बाद जाना किधर है। मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, मुझे कोई किसी की ट्रेल नहीं दिख रही, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, एंड समझ नहीं आ रही किधर से आना है, तो अभी मैं यहाँ से वापस ही जा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट कि रास्ता किधर से है। यार ये तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो यहाँ आगे आगे हूँ, और ओके फाउंड द ट्रेल। तो प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे 2 ट्रेल बनी हुई हैं, ये रही दूसरी ट्रेल, हम इस ट्रेल से आगे की तरफ आ गए, हमने उस ट्रेल पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें खाना था कुछ, तो हम यहाँ नहीं सोचा, हमने चोटी भी यहाँ पे बैठ के कुछ खा लेंगे, अब हुआ क्या, वो ट्रेल हमसे मिस हो गई और हम आगे गए, तो आगे हमें कुछ दिखा नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत अच्छी सी चीज़, एक सेकेंड रुकिए, ये देख रहे हैं आप, ये लेपर्ड्स के प्रिंट्स हैं, और ये लेपर्ड ये ऊपर तक जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, बड़े वाले लेपर्ड के प्रिंट्स हैं फॉर श्योर। अब हमें यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, थोड़ा टाइम बर्बाद हो गया 10-15 मिनट,
इसी चक्कर में, क्योंकि सारा समझ नहीं आ रहा था यार वो ट्रेल कौन सी है यार। हम अपना आगे निकल गए और आगे कुछ नहीं था, मतलब कोई ट्रेल नहीं कुछ नहीं है, वहाँ कैसे जाते, रश भी बहुत बड़ा था तो डर लग रहा था। नाउ वी नो द ट्रेल, तो हम उस ट्रेल पे चले जा रहे हैं एंड होपफुली अब हम जल्दी से पहुँच जाएंगे चंद्रशिला। वहाँ पे आपको लोग दिख रहे होंगे ऊपर, तो हमें ऊपर तक जाना है, वो है शायद चंद्रशिला या उसके भी आगे आगे ही है, जो है शिव शंभू हर महादेव, तो वो है चंद्रशिला पीक सामने ऊपर। तो यार जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब इतना इजी ट्रैक नहीं है, एंड आई नो सब ने बोला भी था कि चंद्रशिला पीक आसान नहीं है, है तो टफ ही, बट अब जाना है तो जाना है, करके आते हैं जल्दी से हर महादेव। पूरा धसा हुआ हूँ बर्फ में, मुझे लगा ये किसी के आने के फुट ट्रेल्स हैं, पर ये जाने के फुट, मतलब नीचे आने के फुट ट्रेल से जाने के नहीं है। और अब मैं यहाँ पे चल भी नहीं पा रहा क्योंकि 3-3 फीट बर्फ है, पाँव रखते ही नीचे धस रहा है। अब समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ से क्या करूँ क्योंकि बहुत बुरा फंस गया हूँ मैं, और जाना है मुझे वहाँ ऊपर। आपको झंडा दिखेगा एक बहुत छोटा सा, वो है हर हर महादेव। वैसे तो मुझे नीचे आना पड़ा, अब ये है एक्चुअली प्रॉपर ट्रैक, वहाँ मुझे लगा ट्रैक था पर वहाँ पे क्लाइंब करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। ये अभी हार्ट बीट है मेरी नॉन स्टॉप चल रही है, कितनी अराउंड कितनी चल रही है 119। हाँ और अभी जाना है यार यहाँ से थोड़ा दूरी, पर हर हर महादेव शक्ति देंगे, चलते रहो। सीरियसली गाइस हालत हो चुकी है बहुत ख़राब, अभी भी आधा किलोमीटर दूर है एंड बिलीव मी बहुत बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है। तो मतलब तुंगनाथ से चंद्रशिला, सॉरी चोपता से चंद्रशिला ओके, और चंद्रशिला से सॉरी चोपता से चंद्रशिला, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मेरी हालत ख़राब है। चोपता से तुंगनाथ 4 किलोमीटर है, बट वो ना ऐसा नहीं है, और तुंगनाथ से चंद्रशिला बिलीव मी 1 किलोमीटर है, लेकिन हालत ख़राब हो जाएगी, हालत ख़राब। मैं आपको अपनी हार्ट बीट दिखाऊंगा, 154 बीट्स पर मिनट चल रही है इस टाइम पे। अभी आधा किलोमीटर और रहता है और मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मैं आपको सच से बताऊं तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये है ट्रैक, अब खुद बताओ इस ट्रैक पर कैसे चला, मतलब ऑब्वियसली चल रहा हूँ मैं, बट कैसे चला जाए इस ट्रैक पे ऊपर तक, और कैसे कंप्लीट किया जाए, और कहाँ जाना है, वो रहे हमारे गौरी चंद्रशिला पीक ऊपर जहाँ पे है राम जी का एक छोटा सा मंदिर। अब ये रास्ता जहाँ से ऊपर चढ़ना है, और सीरियसली बोल रहा हूँ सांस बहुत बुरी तरह फूल चुकी है, रेस्ट करूँगी तो कितनी देर करूँ कोई सेंस नहीं है, तो जाना तो पड़ेगा ही, चलते रहना पड़ेगा।
अब आप ही बता दो, ये ट्रैक है और ये ट्रेल है, इसमें से कैसे चला जाए यार, कैसे चला जाए? वो पर झंडा दिख रहा है आपको, वहाँ तक पहुँचना है। आई एम वेरी क्लोज बट स्टिल वेरी फार। ओके ब्रो, बहुत बढ़िया, नाइस। कम कम कम, अच्छा चले यार। मेरे ख्याल से आज तक का सबसे टफ है होगा मैंने। वाव, सबसे टफ ही लग रहा है ये, मेरे लिए सबसे टफ है। ओके भाई, ओके आ जाओ, ये है, ये देखो। चलो वीडियो सेंड करता हूँ ये। अरे ये देखो, दिख रहा है ये? आ जाओ।